नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745385 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। अध्ययन के क्रम में हम आगे चलते हैं और यहाँ पर 1856 की जो तारीख है वहां से आगे बात करते हैं। नवाब वाजिद अली शाह जो कि उस समय अवध के नवाब थे, उनको कुशासन का आरोप लगाकर गद्दी से अपदस्थ कर दिया जाता है और ये अंतिम अधिग्रहण किया जाता है डलहौजी के द्वारा। तो ये आपने देखा। अब इसके बाद 1856-57 का जो समय है, अवध में एक मुश्त लगान बंदोबस्त अंग्रेजों के द्वारा लागू किया जाता है। 10 मई 1857 की बात करते हैं, मेरठ में सैनिक विद्रोह होता है और 11-12 मई 1857 में अगर देखें तो दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह होता है। बहादुर शाह सांकेतिक जो नेतृत्व है उसको स्वीकार करते हैं, अपनी वृद्धावस्था में वो लीडर बनना मंजूर करते हैं। हालांकि असली जो कमान थी वो बख्त खान के नेतृत्व में रहती है, लेकिन यहाँ पर जो घोषित नेता है वो बहादुर शाह जफर रहते। इसके बाद 20 से लेकर 27 मई 1857 की बात करते हैं, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी और एटा, यहाँ पर होता है सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटनी होती है। और इसके बाद आप देख रहे हैं 30 मई 1857 लखनऊ में भी विद्रोह की आग भड़क जाती है। असंतोष तो पहले से ही रहता है लेकिन विद्रोह की ज्वाला यहाँ पर भड़क उठती है। अब नंबर आता है मई जून 1857 का, मतलब ये 2 महीने गर्मी वाले। तो सैनिक विद्रोह एक व्यापक जन विद्रोह में बदल जाता है, मतलब छिटपुट छिटपुट चारों तरफ जो है वो विद्रोह की ज्वाला भड़कने लगती। चिनाहट में अंग्रेज जो है वो हार जाते हैं, ये 30 जून 1857 की बात है। अब देखें आप, जब बरसात का सीजन आ जाता है तो अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि इस बात को अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, अगर ज़्यादा लंबा इस पूरी घटना को खींचा तो उसके बाद ये हमें भारी पड़ सकता है, ऐसा अंग्रेजों को महसूस होता है। तो हेवलाक और ऑट्रम के नेतृत्व में अंग्रेजों की जो टुकड़ियां हैं वो लखनऊ रेजिडेंसी में शामिल होती हैं, दाखिल होती हैं, मतलब वो वहां पर आती हैं और मामले को संभालने की कोशिश करती हैं। अब युद्ध में शाह अमल मारे जाते हैं, वो समय था जुलाई 1857 का, और रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं, वो समय था जून 1858 का। ठीक, इसके बाद आप देख रहे हैं 1500 से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यूरोपीय जो है वो तेज़ी से भारत में अतिक्रमण करना शुरू करते हैं और अपने ठिकाने बनाते हैं, जैसे कि पणजी में पुर्तगाली लोग जो हैं ये 1510 में हावी हो जाते हैं। मसूलीपत्तनम जो है वहाँ पे डचों का 1605 का है, मद्रास में 1639 का है, बम्बई जो है वहाँ पे 1661 का है, कलकत्ता में 1690, और अंग्रेज़ ये जो है यहाँ पे हावी हो जाते हैं। यहाँ समय आप देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों के लिए है और डचों का आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, तो डच के लिए जो है ये समय आप देखें 1605, बाकी मद्रास, बम्बई, कलकत्ता यहाँ पे अंग्रेज़, और पांडिचेरी में फ्रांसीसी अपना ठिकाना बनाते हैं। समय कौन सा था? 1673 का था। तो कुल मिलाकर ये सारी घटनाएं जो हैं वो 1500 से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में हो रही थी। अब इसके बाद 1757 प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ जो है वो निर्णायक तौर पर जीतते हैं, विजेता सिद्ध होते हैं और बंगाल के शासक हो जाते हैं, बंगाल का पूरा क्षेत्र इनका हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना होती है, वो समय था 1773। रेगुलेटिंग एक्ट का जो सिस्टम था ना उसी के अंदर ये प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा और वही होता है। और आप देख रहे हैं 1784 विलियम जोन्स जो है वो एशियाटिक सोसाइटी की नींव डालते हैं और कार्नवालिस कोड का जो डेवलपमेंट है वो होता है 1773 में। 1803 में आप देखिए कलकत्ता नगर सुधार पर लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो मिनट्स दिए जाते हैं वो आप देखें। इसके बाद 1818 की बात, दक्कन पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है और बंबई को नए प्रांत की राजधानी बनाया जाता है, बंबई जो है वो नए प्रांत की राजधानी बनती है। बंबई से ठाणे, ये आप देखें यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने का काम होता है, 1853 की बात है। 1857 में देखा जाए तो बंबई में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल, मतलब बुनाई का जो कारखाना है और जो कताई का कारखाना है वो खोला जाता है, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ अच्छा खासा डेवलपमेंट होता है। तो अंग्रेज इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं 1857 का ही समय है, तो 1857 में बंबई, मद्रास और कलकत्ता के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना होती है, और मद्रास हार्बर का निर्माण पूरा होता है, वो समय था 1881 का। 1896 में बंबई का जो वॉटसन्स होटल है वहाँ पे पहली बार फिल्म दिखाई जाती है। बड़े शहरों में प्लेग फैलने लगता है, जो बड़े बड़े ज़्यादा सघन आबादी वाले क्षेत्र थे वहाँ प्लेग एक महामारी का रूप ले लेता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1896 का समय, और 1911 में आप देख रहे हैं कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया।
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं तो वो समय है 1915 का, और 1917 की अगर बात करें तो चंपारण आंदोलन जो है वो उठकर खड़ा होता है। 1918 में अगर देखा जाए तो खेड़ा यानी गुजरात का जो खेड़ा है वहाँ पे किसान आंदोलन, ये ध्यान दीजिएगा कि जो खेड़ा सत्याग्रह था वो किसान आंदोलन था और जो अहमदाबाद वाला था वो मजदूर आंदोलन था, मिल में हड़ताल हुई थी तो वो मजदूरों का था। तो ये दोनों गांधी जी के सौजन्य से संपन्न होता है। 1918 की बात है, यहाँ आप तारीख देख रहे हैं, मार्च अप्रैल 1919 का है, रॉलेट सत्याग्रह इस समय स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद होती है दुखद घटना, ये अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक बंद बगीचे में बहुत सारी जो भीड़ है वो इकट्ठा थी और सभा हो रही थी और उन निहत्थे लोगों पर अंग्रेज जो है वो गोलियां बरसाते हैं, वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं लेकिन मारे जाते हैं। तो ये एक नृशंस घटना थी। अब इसके बाद असहयोग आंदोलन को आप देख रहे हैं, खिलाफत आंदोलन साथ में 1921 के आसपास का समय है, मतलब लॉन्च होता है 1920 में और उसके बाद इसका जो पूरा रफ्तार पकड़ने का समय है वो 1921 का है, 1922 में स्थगित हो जाता है। इसके बाद 1928 बारदोली में किसान आंदोलन होता है और वल्लभ भाई पटेल यहाँ अच्छा खासा अपना नेतृत्व देते हैं, तो वहाँ की महिलाएं आंदोलन की सफलता के उपलक्ष्य में इन्हें सरदार के नाम से संबोधित करती। इसके बाद यहाँ 1929 की बात हो रही है, लाहौर अधिवेशन होता है दिसंबर में, पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया जाता है। और इसके बाद मार्च अप्रैल 1930 की अगर बात करें तो गांधी जी का जो पुराना प्लान था सविनय अवज्ञा वाला वो शुरू हो जाता है, दांडी मार्च से ये स्टार्ट होता है, सांकेतिक तौर पर नमक बनाते हैं। इसके बाद 1931 की बात है, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है मार्च 1931 में और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, उसी की चर्चा हम ज़्यादा करते हैं क्योंकि उसमें कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, गांधी जी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं और वहाँ से खाली हाथ लौट कर आते हैं, इनके हाथ कुछ नहीं लगता, सफलता नहीं मिलती। अब यहाँ पर 1935 की अगर बात करें तो वही रॉलेट एक्ट और उसके बाद साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन पे ये बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इसमें सीमित प्रतिनिधित्व जो है सरकार के गठन के संबंध में उसका आश्वासन दिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का था ये वैसे भी देखा जाए तो काफ़ी विस्तृत था। और कांग्रेस के मंत्रिमंडलों का जो त्यागपत्र है वो आप देखते हैं 1939 में होता है। अब देखिए 1942 का समय है, बीच में हालांकि बहुत सारी घटनाएं होती हैं लेकिन यहाँ पर हमने पीछे ही देख रखा है उन घटनाओं को, तो जो मोटी वाली है उनको देख लेते हैं। जैसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये काफ़ी बड़ा आंदोलन रहता है क्योंकि अब जनता जो है वो सारे हथकंडे आजमाकर थक चुकी थी और जो नेता थे वो भी समझ चुके थे कि अब कोई और योजना नहीं काम करेगी, सीधे सीधे आमने सामने की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। तो वही आमने सामने का जो अंतिम निर्णायक युद्ध है वो शुरू हो जाता है। इसके बाद 1946, अब यहाँ तक आते आते ये तो तय हो जाता है कि देश आज़ाद होगा और जल्दी ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तब मुस्लिम लीग को ये आभास होता है, विशेष रूप से मोहम्मद अली जिन्ना को, कि अब अगर हमने अपना प्रयास तेज नहीं किया, मतलब भड़काने वाला जो प्रयास है वो तेज नहीं किया, तो निश्चित तौर पर हम जो उच्च राजनीतिक पद है उससे वंचित रह जाएंगे। तो ये भोले भाले जो जनता है उसको उकसाने का काम करते हैं और सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। दंगे भड़काकर नाक में दम करना उद्देश्य था ताकि अंत में विभाजन के लिए स्वीकृति मिल जाए, मतलब अलग जो देश का टुकड़ा है वो हो जाए और इन्हें मिल जाए। तो कुल मिलाकर ये सांप्रदायिक हिंसा रोकने के प्रयास तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। तो नोआखली और अन्य जो हिंसाग्रस्त हिस्से हैं, गांधी जी वहाँ खुद जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन धर्म एक ऐसी अफीम होती है ना कि एक बार अगर किसी ने सेवन कर लिया तो उसके बाद वो फिर नशे में हो जाता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। ठीक, धर्म वाला मामला थोड़ा संवेदनशील हो जाता है, तो यहाँ वही धर्म को आधार बना के राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा था, तो जनता ये सब चीज़ें तो समझती नहीं है, तो इसलिए आप देखें सांप्रदायिक हिंसा यहाँ पे बढ़ती है। और 1930 का समय, थोड़ा सा पीछे चले आए, तो प्रसिद्ध उर्दू कवि है, इनका नाम है मोहम्मद इकबाल, आप जानते हैं, ये एकीकृत ढीले ढाले भारतीय संघ के भीतर एक, यहाँ आप देख रहे हैं, उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की ज़रूरत पर विचार पेश करते हैं, मतलब अलग मुस्लिम राज्य का जो विचार है वो इकबाल जी का रहता है। इसके बाद 1933 की बात करते हैं, कैम्ब्रिज में एक पढ़ने वाले पंजाबी मुसलमान थे, इनका नाम था चौधरी रहमत अली, इन्होंने पाकिस्तान या पाकिस्तान नाम का जो शब्द है वो पेश किया, मतलब पाकिस्तान का नाम देने वाले यही थे। ये समय था 1933 का, ये खिचड़ी पहले से पक रही थी। और आप देखें ब्रिटिश भारत के जो 11 में से 7 प्रांत थे वहाँ कांग्रेस के मंत्रिमंडल जो है वो सत्ता में आते हैं, तो ये एक बड़ी सफलता कांग्रेस के हाथ रहती है। अब इसके बाद 1940 का समय आता है और लाहौर में मुस्लिम लीग मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ हद तक स्वायत्तता की मांग करते हुए प्रस्ताव अपना पेश करती है। 1946 चुनाव संपन्न होते हैं प्रांतों में और सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को और मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग को शानदार कामयाबी मिलती है। अब इसके बाद मार्च से लेकर जून 1946 का समय है, कैबिनेट मिशन भारत आता है, इसमें 3 ही सदस्य रहते हैं, ठीक, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स,
तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, और ये दिल्ली अपना जो डेरा डंडा है उसको उठा कर आते हैं। तो कैबिनेट मिशन का आगमन होता है कुल मिलाकर 1946, और ये जो समय है ना ये मार्च से लेकर जून तक का है। और कैबिनेट मिशन की जितनी भी रिकमेंडेशन होती है वो लगभग सभी को स्वीकार होती है, कुछ को छोड़कर। अब इसके बाद आप देखें तो अगस्त 1946 की बात करते हैं, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के पक्ष में फैसला लेती, ये बात आप देखें। और 16 अगस्त 1946 कलकत्ता में हिंदू मुसलमान और सिखों का भी उसमें अपना रोल हो जाता है, तो इनके बीच में काफ़ी बड़ी हिंसा उभर जाती है और कई दिन तक चलती है, हजारों लोग मारे जाते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं और राजनीतिक लोग जो हैं वो रोटियां सेकते हैं। इसके बाद आप देखें मार्च 1947 का समय, कांग्रेस हाईकमान पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल हिस्सों में बांटने के पक्ष में फैसला लेती है। पंजाब एक बहुत बड़ा प्रोविंस हुआ करता था, लेकिन जैसे बंगाल को विषैली मानसिकता के तहत तोड़ा गया था वैसे ही पंजाब के भी टुकड़े होते हैं, और पंजाब का एक हिस्सा आप देखते हैं बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में गया। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें होती है, बंगाल में भी इसी सिद्धांत को अपनाने का आह्वान होता है। अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगते हैं, वो तो पहले से ही जा रहे थे, लेकिन अपनी मंशा सिद्ध कर लेते हैं, जो 1905 में दरार पड़ी थी उसको ये चौड़ा करके जाते हैं। तो ये आपने देखा। अब इसके बाद ये मार्च 1947 के बाद की बात है, और 14 से लेकर 15 अगस्त 1947 पाकिस्तान का पहले 14 तारीख को गठन हो जाता है, पहले इन्हें अलग जमीन चाहिए थी दे दी गई, और उसके बाद जो हमारा राष्ट्र था वो स्वतंत्र घोषित हो जाता है। गांधी जी सांप्रदायिक सौहार्द पर बल देने के लिए पूर्वी बंगाल क्षेत्र जो था वहाँ पर नोआखली का दौरा करते हैं, तो ये दौरा आपने पीछे भी देखा था। अब इसके बाद 26 जुलाई 1945, ये थोड़ा आगे पीछे करके तारीखें दी हैं तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसा सिस्टमेटिक नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा आगे की तारीखें हैं थोड़ी पीछे की हैं, तो सिस्टमेटिक तरीके से हमने शुरुआत में ही देख लिया है। यहाँ थोड़ा सा जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं उनको एक जगह समराइज किया गया है। तो यहाँ आप देखें भारत में आम चुनाव होते हैं और उससे पहले यहाँ कई सारी बातें होती है। देखिए 14 से 15 अगस्त तो आपने देख लिया, 26 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जो सरकार है वो सत्ता में आती है, लेबर पार्टी की सरकार बनती है, यानी सत्ता परिवर्तन होता है ब्रिटेन में। और भारत में आम चुनाव होते हैं दिसंबर जनवरी 1945 में, फिर 16 मई 1946 अब संविधान बनने की तैयारी, तो कैबिनेट मिशन अपनी योजना पेश करता है, लगभग सभी को अच्छी लगती है वो योजना। 16 जून 1946 कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर मुस्लिम लीग भी आखिरकार स्वीकृति देती है, यहाँ पर ये भी इसमें अपनी राय जाहिर करते हैं। और इसके बाद 16 जून 1946 कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है, और मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान किया जाता है, और ये जो तारीख है ये 16 अगस्त 1946 की है। बड़ी ही विषैली मानसिकता थी, और इसका जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का एकदम रिजल्ट सामने आता है वो दंगे, सांप्रदायिक दंगे एकदम बहुत बेकाबू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, और वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो उसका उद्देश्य था नाक में दम करना। जब तक आप नाक में दम ना करेंगे तब तक जो बड़े नेता हैं वो मांग मानने वाले नहीं, तो इन्हें तो पूरा करवाना था, तो वो आपने देखा। इसके बाद कांग्रेस का अंतरिम सरकार का गठन वाला जो प्रावधान है वो 2 सितंबर 1946 को होता है, और इसमें पंडित नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। इसके बाद मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला लेती है, तो वो काफ़ी मान मनोवल के बाद होता है 13 अक्टूबर 1946 में, और क्लीमेंट एटली जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन चुके थे फिलहाल, तो 3 से लेकर 6 दिसंबर 1946 कुछ भारतीय नेताओं से ही मिलते हैं, लेकिन वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकलता है क्योंकि यहाँ वार्ता एक रूप होकर तो हो नहीं रही थी। अब इसके बाद संविधान सभा के अधिवेशन शुरू हो जाते हैं क्योंकि संविधान बनाना था, तो 9 दिसंबर 1946 ये अधिवेशन की स्टार्टिंग हो जाती है। फिर 29 जनवरी 1947 को आप देख रहे हैं मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है, इनका जो मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा था जिन्ना का, तो ये कहते हैं कि भाई संविधान सभा को भंग करिए, पहले जो सामने हमने डिमांड रखी है उसको फुलफिल करिए। अब इसके बाद अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक होती है 16 जुलाई 1947 को, आज़ादी से ठीक पहले, और 11 अगस्त 1947 को जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, उनकी जो मनोकामना है वो धीरे धीरे पूरी होती दिखाई देती। और उसके बाद 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की स्वतंत्रता कराची में जश्न मनाया जाता है, तो ये सब आपने देख लिया। अच्छा, इसके बाद भारत का जो स्वतंत्रता का जश्न है वो 14-15 अगस्त मध्य रात्रि 12 बजे घोषणा होती है देश आज़ाद हो गया, और दूर दूर दराज के जो इलाके होते हैं वहाँ तक तो ये न्यूज़ पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, रेडियो और बहुत ऐसे संसाधन नहीं थे आजकल की तरह से, इंटरनेट वाला समय नहीं था, तो जब जिसके पास जब सूचना पहुंचती है तभी वो तिरंगा लेके निकल पड़ता है सड़कों पे, तो बड़ा ही रोचक और रोमांचकारी माहौल था, तो वो सब आपने देखा। अब इसके बाद दिसंबर 1949 संविधान पे हस्ताक्षर होते हैं, यहाँ आप आधुनिक भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं को देखेंगे और उसके संस्थापक वर्ष इत्यादि साथ में। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो स्थापना का समय है वो 1876 का है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के माध्यम से इसकी स्थापना होती है, अर्थात यही इसके फाउंडर।
व्योमेश चंद्र बनर्जी को देख लीजिए, 1883 का टाइम है, यूनाइटेड इंडियन कमेटी का इनके सौजन्य से गठन होता है, मतलब ये उसके संस्थापक हैं। और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। तो ये सारी बातें हैं, और भी बातें हैं देख लीजिए। यंग बंगाल आंदोलन जो है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो या तो डेट क्रोनोलॉजी आपसे अरेंज करने के लिए कहेगा, नहीं तो संस्थापकों के नाम मिलाने के लिए कहेगा। तो यंग बंगाल आंदोलन जो है ये 1826 का है, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो इनके माध्यम से या इन्हीं के प्रयासों से इसकी स्थापना होती है। ब्रह्म समाज तो आप जानते ही हैं, राममोहन राय जी के द्वारा, और 1828 में ये कलकत्ता में स्टैब्लिश होता है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये भी आप जानते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर 1924 में ये स्थापित करते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हेडगेवार जो है, डॉक्टर हेडगेवार, उनके माध्यम से स्थापित होता है 1925 में। नौजवान भारत सभा 1926 भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल के सौजन्य से स्थापित होती है, क्रांतिकारियों का संगठन है। और परमहंस मंडली को आप देख रहे हैं, 1849 बॉम्बे में स्टैब्लिश होती है। दाडोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम ये इसके फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। रहनुमाई मजदयासन, पारसियों में धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना होती है 1851 में। और इसमें कुछ पारसी लोग जैसे कि दादा भाई नौरोजी, इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं नारोजी फरदोनजी और SS बंगाली, JB वाचा, ये सब जो बड़े बड़े दिग्गज उस समय के नेता होते थे, पारसी नेता होते थे, तो वो सब इसकी स्थापना में शामिल होते। इसके बाद बालिका विद्यालय, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु ज्योतिबा फूले के द्वारा इस्टैब्लिश किए जाते हैं, और 1851 की बात है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 बॉम्बे में इस्टैब्लिश होती है गोपाल कृष्ण गोखले के माध्यम से। मुस्लिम लीग जो ढाका वाली है वो 1906 की है, आगा खां और सलीमुल्ला खां के द्वारा ढाका में इसकी नींव रखी जाती है, पूर्वी बंगाल क्षेत्र। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को देख लीजिए, 1866 का है, लंदन में इस्टैब्लिश होता है, दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक होते हैं। पूना सार्वजनिक सभा को देख रहे हैं, 1867 की है, महादेव गोविंद राणा डे के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। प्रार्थना समाज को आप देखें, ये 1867 का है, बॉम्बे में स्टैब्लिश होता है, केशव चंद्र सेन के सहयोग से महादेव गोविंद राणा डे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर इत्यादि जो लोग हैं उनके माध्यम से इसकी स्थापना की जाती है। तो फाउंडर जो है उनमें कई सारे नाम आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद सत्यशोधक समाज को देखिएगा, तो ये 1873 का है, पुणे में इस्टैब्लिश होता है, ज्योतिबा फूले इसके संस्थापक थे। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 का है, अलीगढ़ में इस्टैब्लिश होता है, सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक थे। इंडियन लीग को देखिए, 1875 की है, शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा इसकी स्थापना होती है, और 1875 में बॉम्बे में नींव रखी जाती है आर्य समाज की, स्वामी दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। हिंदू धर्म में या सनातन धर्म जो था उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से आर्य समाज की स्थापना की जाती है, जो हमारे पुराने वैदिक नियम हैं वहाँ उस ओर लौटने के लिए दयानंद सरस्वती प्रोत्साहित करते हैं। जो तमाम भ्रष्टाचार और पाखंड फैल गया था ना हिंदू धर्म में, उसका शोधन करने का ये प्रयास करते हैं, जो कि एक सार्थक प्रयास था, और वो उन्हीं के जीवन काल तक बना भी रहता है। बाद में तो इसमें भी तमाम शाखाएँ फूटने लगती। अब इसके बाद मैडम ब्लावस्की और कर्नल अल्कॉट को देख लीजिए, अल्कॉट है असल में, न्यूयॉर्क में ये स्थापना करते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की, 1875 की बात है, और मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी जो है, यहाँ आप देख रहे हैं मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1863 में कोलकाता में, और अब्दुल लतीफ इसके संस्थापक होते हैं। अब इसके बाद अगला जो है वो देव समाज है, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के माध्यम से ये स्थापित होता है 1887, लाहौर इसका क्षेत्र। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 की बात है, और महादेव गोविंद राणा डे इसके संस्थापक होते हैं। पंडिता रमाबाई जो है ये 1889 में स्थापना करती हैं शारदा सदन की, और रामकृष्ण मिशन जो है ये 1897 का है, बेल्लूर में इस्टैब्लिश होता है, और स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक रहते हैं। रामकृष्ण मिशन अपने गुरु के नाम से वो करते हैं, शुरू करते हैं। अभिनव भारत संस्था का तो आप जानते ही हैं, विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी नींव रखी थी, 1904 की बात है, काफ़ी उग्र संगठन था। और सोशल सर्विस लीग को देखिएगा, तो ये 1911 का है, बॉम्बे में इस्टैब्लिश होता है, और नारायण मल्हार जोशी जी इसके संस्थापक होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा विश्व भारती की स्थापना की जाती है, और ये बहुत तेजी से ग्रो करता है, शुरुआत में एक छोटा स्कूल और बाद में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बन जाता है, तो 1921 की बात। और भी तारीखें हैं यहाँ देखने की आवश्यकता है, तो विश्व भारती तक हमने देखा था। इसके बाद गदर पार्टी को देखिएगा, तो गदर पार्टी ये पहले विश्व युद्ध के दौर की है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापकों में गिने जाते हैं। हिंदू महासभा, यहाँ आप देखें मदन मोहन मालवीय के सौजन्य से स्थापित होती है 1915 में, आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसका पुराना स्वरूप। और इसके बाद होम रूल लीग को देख लीजिए, 1916 की है, मतलब ये भारत वाली होम रूल लीग है, और इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक तो लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, और दूसरी एनी बेसेंट। तो दोनों का अपना तरीका था, दोनों की अपनी आइडियोलॉजी थी,
और वो अपने तरीके से लीग चलाते थे, उनके अपने अपने समर्थक थे, तो ये अपना जोर आजमाइश भी होती थी। इसके बाद लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा स्थापना की जाती है विमेन्स इंडिया एसोसिएशन की। समय है 1917 का, खिलाफत आंदोलन को आप देख रहे हैं 1919 का है। अली बंधुओं के द्वारा एस्टैब्लिश होता है, मोहम्मद अली और शौकत अली ये इसके संस्थापक होते हैं। और एनएम जोशी को देखिए, 1920 का ये समय है, इन्होंने स्थापना की थी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है, मोतीलाल नेहरू और चित्रंजन दास ये इसके संस्थापक होते हैं। शचिंद्र सान्याल को देख रहे हैं, 1924 का है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये संस्थापक हैं। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन को आप देखिए, HSRA इसको कहा जाने लगा, मतलब पहले इसका नाम क्या था इसे साफ कर दीजिए। देखिए इसका पहले नाम था HRA, लेकिन अभी जो 1928 में गठित होती है काकोरी के बाद, ये काकोरी के बाद वाला फेज है, तो वो जो है वो HSRA होती है, क्योंकि बड़े बड़े जो क्रांतिकारी थे वो तो अरेस्ट करके या तो फांसी पर चढ़ा दिए जाते हैं या फिर निर्वासित कर दिए जाते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जी जो ये जो HRA संगठन था इसमें अकेले पड़ जाते हैं, उन्हें चाहिए आवश्यकता थी उस समय उत्साही नवयुवकों की, तो इसके लिए फिर वो भगत सिंह और इस तरह के जो उत्साही नौजवान हैं उनसे संपर्क करते हैं। तो अक्टूबर 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और शचीन्द्रनाथ सान्याल के द्वारा सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की, माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। और ये जो सोशलिस्ट वाला है मतलब समाजवादी संगठन जुड़ता है, तो उसके बाद भगत सिंह का नाम इसमें जुड़ जाता है, वो आप देख रहे हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ कही गई है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो नेतृत्व करते हैं, बाकी इसमें बहुत सारे उत्साही नौजवान जुड़ते हैं, सिर्फ भगत सिंह नहीं, इस तरह के बहुत सारे क्रांतिकारी इसमें ऐड हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो फिरोजशाह कोटला दिल्ली वाला है वहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया जाता है भगत सिंह के कहने पे ही, क्योंकि भगत सिंह की विचारधारा समाजवादी थी तो वो सोशलिज्म का जो भाव है वो इसमें जुड़ता है। अब इसके बाद अब्दुल गफ्फार खान को आप देख रहे हैं नीचे, खुदाई खिदमतगार इनके द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है, 1930 की बात है। और महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है, ये पुणे में स्थापित होता है, जगह भी पूछी जा सकती है। अब इसके बाद स्वतंत्र श्रमिक पार्टी को आप देख रहे हैं, 1936 की है, बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। और इंडियन नेशनल आर्मी का जो विचार है इसकी कल्पना सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, और ये गठित भी होती है, ऐसा नहीं है कि ये नेताजी के द्वारा गठित की जाती है, लेकिन जब नेताजी का प्रभावशाली व्यक्तित्व इसे नेतृत्व देता है तो फिर आज़ाद हिंद फौज के कहने ही क्या, उसकी जो कीर्ति है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो कुल मिलाकर 1939 की बात है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपने देखा है पीछे कि त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन होता है, दोनों में वो विजेता होते हैं, लेकिन अंत में मतभेद हो जाता है गांधी जी से, तो वहां से अलग रास्ता होता है, तो उसके बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और उसी क्रम में फिर आगे आप देखते हैं कि INA का जो विचार है वो आता है, फिर इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज जो है उसको ये अपनी दिशा देते हैं। इसके बाद नीचे वही दिया हुआ है, आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है 1942 में, और इसमें शुरुआती लोग देखें आप मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना होती है 1943 में, और यहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो रोल है वो शुरू होता है। दयाल दास, रतन चंद और दरबारा सिंह को आप देख रहे हैं, 1840 का टाइम है, निरंकारी आंदोलन इनके द्वारा शुरू होता है, सिखों का ये धर्म सुधार आंदोलन। और इसके बाद मानव धर्म सभा, ये दुर्गाराम मेहता जी के द्वारा शुरू की जाती है, 1844 की बात है। नामधारियों का जो दल है वो शुरू होता है, मतलब उसका जो आंदोलन है वो शुरू होता है, ये राम सिंह के द्वारा शुरू किया जाता है पंजाब में, और समय है 1857 का। इसके बाद राधा स्वामी सत्संग को आप देख रहे हैं, ये तुलसीराम शिवदयाल साहब जो थे उनके माध्यम से शुरू होता है, इसका क्षेत्र है आगरा, 1861 के बाद। और देखिए दारुल उलूम की स्थापना होती है देवबंद में मौलाना हुसैन अहमद के माध्यम से, 1866 का टाइम है। नौदाउल उलेमा जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, नौदाउल उलेमा ये 1894 का है, लखनऊ में इस्टेब्लिश होता है, मौलाना शिबली नुमानी जो हैं वो इसके संस्थापक कहे जाते हैं, और पंडिता रमाबाई जो हैं और इसके साथ साथ जी के देवधर ये पुणे में स्थापना करते हैं पूना सेवा सदन की, 1909 की बात है। सेवा समिति की स्थापना होती है 1914 में इलाहाबाद में, HN कुंजरू के माध्यम से, हृदय नारायण कुंजरू जो हैं उनके माध्यम से स्थापित होता है। और विलियम जोन्स को आप देख ही रहे हैं, पीछे भी देखा था, 1784 की बात है, एशियाटिक सोसाइटी को ये इस्टेब्लिश करते हैं। आत्मीय सभा को आप देख रहे हैं, यह 1814 की है, कलकत्ता में स्थापित होती है, राजा राममोहन राय इसके अध्यक्ष थे। और कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी जो है ये सितंबर 1821 की है, राजा राममोहन राय और विलियम एडम ये इसके अध्यक्ष थे। 1839 कलकत्ता देवेंद्रनाथ ठाकुर के माध्यम से स्थापना होती है तत्वबोधिनी की। और धर्म सभा की स्थापना होती है 1829 में कलकत्ता में, राधाकांत देव के माध्यम से। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 की है, दादाभाई नौरोजी के माध्यम से ये स्थापित होती है। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 की है, अलीगढ़ में इसकी स्थापना होती है सर सैयद अहमद खां के द्वारा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तो आप जानते ही, 1885 की है, AO ह्यूम जो है प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे तो उनके प्रयासों से ये स्थापित होती है।
और इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 का है, फिरोज शाह मेहता, के टी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी ये इसके संस्थापक होते हैं, और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ये 1927 का है, पुणे में स्थापित होता है। मार्गरेट कजिन जो है मतलब चचेरे भाई, वो इसे स्थापित करने का काम करते हैं। इसके बाद बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन ये 1903 का है, महादेव गोविंद राणा डे के माध्यम से इसकी स्थापना होती है। और श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है ये 1905 में लंदन में स्थापित करते हैं इंडिया हाउस को, इंडियन होम रूल सोसाइटी इसको कहा जाता है, वही नाम है, तो दोनों में से जो नाम आए आप पहचान सकते हैं। इसके बाद परोपकारिणी सभा है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के माध्यम से इसकी स्थापना होती है। और जी डी कुमार जो है ये स्वदेश सेवक होम की स्थापना करते हैं, जबकि यूनाइटेड इंडिया हाउस जो है सिएटल वाला यूएसए में वो स्थापित होता है 1910 में तारकनाथ दास और जी डी कुमार के द्वारा। तो यहाँ तक हमने देखा है, और ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आगे चलती रहेंगी, इसमें इतना ही।